नमस्ते, मैं गीता बारिया भील आर्टिस्ट मध्य प्रदेश झाबुआ की हूँ और मैं भील आर्ट बनाती हूँ। भील आर्ट ट्राइबल आर्ट जो डॉट से कंप्लीट होता है और हमारे कल्चर के ऊपर बनता है और प्रकृति के ऊपर बनता है। आज हम भील आर्ट की प्रकृति के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पेपर शीट लेंगे A4 का आधा साइज, फिर साथ में अपन स्केल लेंगे, शॉर्पनर लेंगे और रबड़ और पेंसिल। फिर इसके बाद स्केल को लेंगे, साइड से फ्रेमिंग के लिए साइड छोड़ेंगे। इस तरह से चारों साइड से जगह छोड़ेंगे फ्रेमिंग के लिए। फिर इसके बीच में सेंटर में पेंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले पेड़ का स्केच करेंगे इस तरह से, मतलब जैसे हम ट्राइबल आर्टिस्ट हैं तो मतलब जैसे मॉडर्न आर्ट्स में पेड़ जैसे मेन जैसे दिखता है सेम वैसे ही अपन बनाते हैं, लेकिन हमारे आर्ट में ये होता है कि हम पहले मतलब कुछ चीज़ समझते नहीं थे, तो हम पेड़ का कौन सा पेड़ है कौन सा नहीं है। हमारे यहाँ महुए के पेड़ ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो ज़्यादा बनाया जाता है, आम का और महुए का और बेर का, ये तीन पेड़ ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो इस पे ही हम लोग ज़्यादा मतलब पेंटिंग करते हैं जी। पहले ये इस तरह से पेड़ आएगा, फिर नीचे ये जड़, फिर इस तरह से मुड़ेगा, फिर ये डगाले यहाँ से जो वृक्ष के जो तने हैं इस तरह से निकलेंगे। ये मैं अंदाजे से बनाती हूँ और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे इसमें जितनी तना उतना घना करना है तो उतनी ही तना उतनी पत्तियाँ। फिर इसके नीचे हिरन का फिगर आएगा। ये इस तरह इसकी पूंछ आएगी, ये इस तरह इसके कान आएंगे। इसमें एक पक्षी ये बना रही हूँ। ये स्केच कंप्लीट हो गया। पहले ब्रश लेंगे 8 नंबर का, फिर ग्रीन कलर लेंगे डार्क, फिर इस तरह से इसको बेस करेंगे। ये जो ब्रश हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये 8 नंबर का ब्रश है। जो पेंटिंग रहती है इसके बीच में ही रहती है, चारों जो सेंटर रहते हैं इसके बीच में पेंटिंग बनाई जाती है, पेंटिंग इधर से इधर नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से डगाले बनेंगे। पेड़ कंप्लीट हो गया। ये 1 नंबर ब्रश लेंगे, इससे छोटे फिगर जैसे आउटलाइन करके फिर बेस मारेंगे। ये वह ब्रश है, डॉट्स, इस ब्रश से डॉट्स भी डाले जाते हैं। फिर ऑरेंज कलर लेंगे, ऑरेंज कलर को इस तरह से फेंट के ब्रश को इस तरह से गोल करेंगे, इस तरह से इसको आउटलाइन करेंगे। ये हिरन कंप्लीट हो गया है, इसका जो बेस है वो कंप्लीट कर दिया। आप इसके सीन के कलर के लिए ब्लू कलर भी ले सकते हैं। ये पक्षी आप जामुनी कलर लेंगे, लाइट जामुनी, इससे पक्षी को बेस करेंगे। अब ग्रीन कलर लेंगे, पत्ती का बेस करेंगे इस तरह से,
पत्ती का बेस कर रहे हैं, ग्रीन। जैसे अपन पत्ती का बेस करते हैं सिंगल में तो इस तरह से दिखता है, जैसे ये पत्ती दिखाई दे रही है तो इस तरह से दिखाई देगा। फिर इसको सूखने के बाद डबल बेस किया जाता है तो ये इस तरह से दिखाई देता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर बेर डालेंगे। बेर का कलर कोई सा भी, हमारे आदिवासी में कोई सा भी कलर हम यूज़ करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसी कलर का हो, तो ये हम ब्लू कलर ले रहे हैं। ये बेर भी कंप्लीट हो गए हैं और ये पूरा जो पेंटिंग है ये बेस की तौर पे पूरी कंप्लीट है। ये ब्लैक कलर से आप डिज़ाइन करेंगे, आप इसमें डॉट्स करेंगे, ब्लैक जो डिज़ाइन बनेगा वो ब्लैक कलर से होगा। तो अपन अभी ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे जी। ये अपने भील आर्ट में सबके जो जितने भी आर्टिस्ट हैं सबकी डिज़ाइनें अलग अलग हैं और डिज़ाइनों के आधार पे सभी की मतलब डिज़ाइनों से ही पहचाना जाता है कौन से आर्टिस्ट का ये काम है। तो मेरे ये डिज़ाइनें और ये हिरन की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, अब पेड़ की डिज़ाइन करेंगे। भील आर्ट में ये डॉट्स रखे जाते हैं, इसी से हमारी पहचान, तो इसको पिथौरा पेंटिंग कहा जाता है। इसमें जो ये बेर दिए गए हैं इसमें ब्लैक कलर से इस तरह से भरा जाता है जिससे ये कंप्लीट दिखे। अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, ये पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट है। अब पत्तियों का भरना शुरू करेंगे। इसमें ग्रीन कलर का उपयोग करेंगे, डार्क ग्रीन। ये बीच में एक लाइन सेंटर बनाएंगे, इस साइड से इस तरह से ये लाइनें देंगे। तो लाइनें हैं सेंटर के बीच की, जो भराव है ये कंप्लीट हो गया जी। ये जो पेड़ है अब इसको अपन जो डिज़ाइन डाली गई है ब्लैक से इसको अब भरेंगे। ये अभी अपन दो ले रहे हैं, ये कलर दो कलर लेंगे, एक रेड कलर लेंगे और एक ब्लू कलर लेंगे। रेड कलर से इसके जो डिज़ाइन है इसको भरेंगे, ये एक गैप छोड़ेंगे फिर ये दूसरे सेंटर के गैप में इसको रेड कलर डालेंगे। ये एक रेड का फिर एक ब्लू का, एक गैप रेड का एक ब्लू का करेंगे। ये रेड कलर का कलर कंप्लीट हो चुका है, अब ब्लू कलर डालेंगे। ये जो डॉट्स है हम अपने कलर के हिसाब से इसमें सेट करते हैं।
पेड़ अब कंप्लीट हो गया है। अब अपन ये पक्षी को भरेंगे। ये पक्षी को भरने के लिए आप ऑरेंज कलर का यूज करेंगे। ब्लू कलर अपन डाल रहे थे वो खत्म हो चुका है, पक्षी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब भरेंगे हिरन को। हिरन के लिए ये ऑरेंज का लाइट कलर लेंगे। हिरन में ये लाइट ऑरेंज और एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर ले लेंगे। अब रेड कलर का यूज करेंगे। अब ग्रीन कलर डालेंगे। जी ये डिजाइन है, डिजाइन जो ऊपर है ऊपर से अंदर तक कर रहे हैं। पहले जो ब्लैक कलर का है जो डिजाइन डाला है उसके साइड जो कलर जो लाइट कलर रहता है पहले लाइट कलर करते हैं, इसके बाद फिर एक रेड ले लिया, फिर एक ग्रीन ले लिया, तीन कलर से इसको कंप्लीट करते हैं। ये ऑरेंज कलर लेंगे लाइट। ये रेड कलर लेंगे। अब ये ऑरेंज का कंप्लीट हो गया है। अब ग्रीन कलर यूज करेंगे। आप रेड कलर लेंगे, जो कान है उसको पत्ती के रूप में बनाएंगे। ये मतलब अपनी मर्जी से, मतलब जैसे अपन को क्या डालना चाहिए जो पेंटिंग खूबसूरत लगे उस तरह से। इसमें डॉट्स भी डाला जाता है, पत्ती भी के रूप भी दिया जाता है। लेंगे जो सींग है उसको आप भरना शुरू करेंगे। इस तरह से ये लाइनें देंगे। अब रेड कलर लेंगे, सींग में दूसरा कलर डालने के लिए। ये डियर कंप्लीट हो गई है। अब ये जो पत्तियां हैं इसकी आउटलाइन देंगे लाइट ग्रीन से। अब ये पत्तियों का आउटलाइन कंप्लीट हो गया। व्हाइट, ये व्हाइट से हम आंखें का आकार बनाएंगे। ये जैसे अपन बेस करते हैं तो जब भी अपन आंखों का आकार दे सकते हैं, और अगर पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो भी आप आंखों का आकार आखिरी में दे सकते हैं। तो ये आंखें आखिरी में ही बनती हैं। अभी इसको अपन थोड़ी देर सूखने का टाइम देंगे। तो फिर इसके बाद अपन ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करके फिर बीच में जो आग की वो रहती है बीच में पुतली वो डालते हैं, बस फिर ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। ये आँखों की आउटलाइन भी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह ये पेंटिंग भी
कंप्लीट हो गई।